जो बोलते हैं लोग, जो मिथ है लोगों के माइंड में कि वॉक्सवैगन स्कोडा ये सब बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये गाड़ी आपसे 2000 मांग रहे हैं, आप इसको 2000 तो आपकी गाड़ी मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। सस्पेंशन का काम करें आपको 30,000 ऑलमोस्ट आएगा। नॉर्मल क्लच वाली गाड़ी का काम करेंगे उसमें आपको 10,000 क्लच आएगा, आफ्टर मार्केट सब बता रहा हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल कंपनी इसमें फिट होके आता है वो वाली क्वालिटी में आपको बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस मेरे को जैसे इसमें आता है 9-10 हज़ार के आसपास मेरा पूरा सर्विसिंग हो जाता है। मैं मेजर सर्विसिंग कराया जिसमें गियर ऑयल और इंजन ऑयल सारी चीज़ें चेंज कराया तो मेरे को 15,000 के आसपास आया। जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज है अपने पास 2015 की डीजल ऑटोमेटिक 1.5 लीटर वेंटो और ये है हाईलाइन मॉडल टॉप ऑफ द लाइन वेंटो जो 2015 में आती थी। 2015 में दो मॉडल आती थी, एक ये वाला शेप आता और इसमें बम्पर जो और हेडलाइट सारी ग्रिल व्हील सारी चेंज थी। इसमें है आपको मिल जाता है TDI इंजन जो कि है 1500 cc का TDI इंजन और जो पावर प्रोड्यूस करता है 103 bhp पर 250 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें आपको TDI इंजन मिल जाता है जो कि टर्बो चार्ज्ड है और 4 सिलेंडर इंजन आता है। वॉक्सवैगन में पोलो और वेंटो में 3 सिलेंडर आता था, पोलो में 3 सिलेंडर डीजल आता था और वेंटो में 4 सिलेंडर आता था। पोलो 1.2 आती थी और वेंटो आती थी 1.5 डीजल में। इसमें पेट्रोल डीजल दोनों अवेलेबल है और DSG गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। इसमें आपको दो मॉडल आ रहे जैसे मैं अभी बोल रहा था, जिसमें आपका फॉग लैंप वाला जो ये एरिया है बम्पर का ये अलग आता है। इसमें 2015 में स्टार्टिंग में आता था सिंगल बैरल, मतलब इसमें आपका सिर्फ हेडलाइट में सिंगल बल्ब रहता था, लेकिन मिड ईयर के बाद में आपका इसमें ड्यूल आता था। नो डाउट ये हेडलाइट मॉडिफाइड है जो कि मैंने खुद से करी है, जिसमें अभी दोनों अपर यहाँ पे अपर और ये डिपर में दोनों में प्रोजेक्टर डले हुए हैं। रही बात नीचे फॉग लैंप, कंपनी फिटेड आते ही है, ये कंपनी फिटेड फॉग लैंप ही है जिसका थ्रो नॉर्मल है, कोई एकदम हाई फाई नहीं है। प्लस साइड प्रोफाइल में आएंगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स नहीं मिलते साइड व्यू मिरर में, बट साइड में आपको पैनल में मिल जाते हैं। एलॉय इसके आफ्टर मार्केट है, मैं फोटो ऐड कर दूंगा कि ओरिजिनल एलॉय इस गाड़ी के क्या आते थे। उस पर 185/60/15 के एलॉय व्हील आते थे और ये 16 इंच के एलॉय डले हुए राइट नाउ। आपको साइड प्रोफाइल देखी जाए तो गाड़ी भाई सेडान आती है पूरी, हाइटेड हाइट जो है इंडिया के हिसाब से हाइट बहुत ज़्यादा कम नहीं, जैसे होंडा सिटी में पहले होंडा सिविक में जैसे लॉरा और ये सब में थोड़ा सा हाइट का इशू आता था, इसमें वो कोई इशू नहीं है। आपकी पोलो हो गई, रैपिड हो गई और वेंटो हो गई, ये तीनों गाड़ी सेम है, जिनके सस्पेंशन इंजन और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेम है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क होगा गाड़ी में, इंटीरियर में दोनों में तीनों गाड़ी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको की होल मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री नहीं आती है आपको, इसमें स्टार्ट पुश स्टार्ट बटन नहीं आता है, कीलेस स्टार्ट है। इसमें आपको यहाँ पे 4 मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक करने का मिल जाता है, साइड में मिरर मिल जाते हैं जो कि अपन जिसके सिर्फ मिरर एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्डेबल इसमें नहीं आते। और रही बूट की, बूट का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, बूट के लिए अलग से कोई पीछे बटन नहीं है। और ये गाड़ी ऑटोमेटिक आती है जैसे मैं बता रहा हूँ, ये DSG है, 7-स्पीड गियरबॉक्स के साथ गाड़ी आती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आते हैं, ये आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड स्क्रीन डाला हुआ है, इसमें ब्लूटूथ आता था बस, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं आता था उस टाइम, ब्लूटूथ रेडियो बस इतना आता था। यहाँ पे आपको जो फॉगर मिल जाते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है, 2 एयरबैग है गाड़ी में, बाकी आपका इसमें आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे बटन दिया हुआ, ये वॉल्यूम का इधर दे दिया स्टीयरिंग कंट्रोल में वॉल्यूम और आगे पीछे म्यूट यहाँ पे, और यहाँ वाले बटन ये आपका स्क्रीन का चेंज करने का मिल जाता है इसमें कि कितना एवरेज दे रही है गाड़ी, कितना रेंज है गाड़ी में, कितना किलोमीटर चला लिया, एवरेज स्पीड अभी कितने स्पीड में, नॉर्मल किलोमीटर पर आवर, सारी चीजें इसमें आपको यहाँ पे दिखा जाएगी। ये इंजन हीट सारी चीजें आपको कूलेंट, सॉरी इसमें ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट्स नहीं मिलती, ये ऑन हो जाएगा, ये आपका पार्किंग ऑन हुआ, ये हेडलाइट ऑन हुई, इसको हम लोग ऊपर पुश करेंगे तो इसका फॉग लाइट चालू होगा और एक और बार पुश करेंगे तो रियर फॉग लाइट स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है
सो और रही बात इस पे स्पेस की, तो भाई स्पेस नो डाउट, डोर पॉकेट आप देख सकते हो, 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी, 2 बोतल तो आराम से आ जाएगी। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और आपकी सीट्स राइट हैंड साइड वाली सीट हाइट एडजस्टेबल है, लेफ्ट वाली सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। बाकी जो गियर है वो बहुत मतलब नॉर्मल है, जिसमें 2 पैडल आते हैं, आपको ब्रेक दबाना है, यहाँ पे ये बटन दिया है, ये बटन को पीछे खींचे आपका गियर में लग जाएगा, जिसमें पार्किंग, ये जो आपका पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। और लेफ्ट साइड में अपन अगर ये नॉब को ऐसे लेफ्ट खींचेंगे तो आपका गाड़ी मैनुअल मोड में चले जाएगा। और हैंड ब्रेक आपका अच्छा है कि जो नॉर्मल बटन वाला हैंड ब्रेक नहीं है। पीछे आपको वाइड इनफ डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको आराम से 1 लीटर की बोतल चले जाएगी। मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि कितना स्पेस है, मेरे जैसे 5'3" जिनकी हाइट है वो कितना आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा सा गाड़ी गंदा है, कोई नहीं। आपको पीछे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, बोतल होल्डर मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन इसमें कप होल्डर नहीं, रियर में सिंगल कप होल्डर्स मिलते हैं आपको, और एसी वेंट भी सिंगल है। और जैसे हाइट देखें तो ये जो मेरी हाइट है रूफ में, ये काफ़ी अच्छी है, मतलब एक लंबा 6 फीट का आदमी भी आराम से पीछे बैठ सकता है। अंडर थाई सपोर्ट मेरा हाइट के हिसाब से बहुत अच्छी है, ये सीट मेरे हाइट के हिसाब से आगे एडजस्ट है, तो आप लेग रूम भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है, तो कोई भी एक लंबा चौड़ा आदमी आराम से बैठ सकता है। कोई भी 5 सीटर कार होगी लेकिन उसमें 4 जन बैठ के जाए तो बहुत कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। जो आपका रूम है, ये जो आपका बैक में रूम है, वो काफ़ी एरिया और स्पेशियस फील करवाता है। और आपको सारे डोर में जो आपके विंडो अप डाउन के बटन से 1 टच मिलते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था इसका बूट स्पेस की बात करते हैं, बूट खोलने के लिए पीछे कोई बटन नहीं दिया हुआ, राइट साइड में आपको डोर में दिया हुआ है। तो इसकी बूट की जो कैपेसिटी है वो है 494 लीटर्स की, जिसमें आपको स्टेपनी नीचे मिल जाती है, स्टेपनी आपकी 14 इंच की आती है इसमें, प्लस जो बूट है बहुत काफ़ी बड़ी है और अच्छी स्पेशल। इसमें एक और चीज़ है कि आपकी जो रियर सीट है वो गिरती नहीं है, आप उसको रियर सीट को फोल्ड, इसमें फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है, जो एक चीज़ ख़राब लगी। और पीछे यहाँ पे क्या कॉस्ट कटिंग किया नहीं पता, वॉक्स वगैरह ने यहाँ पे आपको बटन भी नहीं दिया, यहाँ पे एक छोटा सा बटन दे देते तो ईजी टू एक्सेस हो जाता, ना कि इन्होंने की वाला आपको ओपन करने का दिया है। कंपनी फिटेड इसमें रियर सेंसर आते थे, कैमरा नहीं आता था, ये भी आफ्टर मार्केट कैमरा इसमें लगा हुआ है। और टेल लाइट इसकी जो 2015 में जो लास्ट में जो इसका मॉडल है, जिसमें मैं आपको बता रहा था, जिसमें यहाँ पे एग्जॉस्ट टिप यहाँ पे आ जाते हैं और जो यहाँ पे क्रोम आ जाता है, बस उतना डिफरेंस है इसमें, बाकी इसके बम्पर में कोई डिफरेंस नहीं है। टेल लाइट में आपको पीछे LED मिल जाती है, बाकी नॉर्मल हेलोजन मिल जाता है, ब्रेक लाइट, और ये इसमें रियर फॉग लाइट आती है, और इसमें एक साइड का रिवर्स का जो आपका लाइट आता है वो वन साइडेड ही आता है। बाकी रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी उस टाइम पे 10 लाख रुपए का इसका, 10,50,000 का इसका ऑन रोड प्राइस आता था। और गाड़ी के बाद जहाँ अपन चलाए वाला है, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ेदार है, 7 स्पीड जो आता है, एवरेज भी ज़ोरदार है गाड़ी का, गैरेज गाड़ी सिटी में ऑलमोस्ट 15 के आसपास का एवरेज देती है डीजल में, और हाईवे पे इसका एवरेज मैंने खुद ने निकाला 22 किलोमीटर का पर लीटर का, मैंने 1 टैंक में दिल्ली से भिलाई में किया, जो कि 1250 किलोमीटर है 1 टैंक में। नो डाउट उसमें बीच में हम लोग का वहाँ पे दिल्ली में जो चला जैसा भी है, लेकिन 1 टैंक में गाड़ी आराम से 1000 किलोमीटर चलती है। ऐसा कुछ नहीं कि आज की डेट में गाड़ियों में बताते फुल टैंक में 1000 चलती है, ऐसा चलती है ऐसा, ये सब गाड़ियाँ पहले से 2015 से 1000 किलोमीटर 1 टैंक में चलती है। 55 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जिसमें डीजल आता है, जिसमें आपको राइट साइड में इसका फ्यूल आता है, इंडिया की इंडियंस गाड़ी में लेफ्ट साइड में आता है, और जो भी जर्मन गाड़ी है बाहर की गाड़ी है उसमें राइट साइड में फ्यूल टैंक आता है। ये 1 टच रहता है, आपकी कार अनलॉक रहेगी तो ये ओपन होगा और आपकी कार लॉक रहेगी तो ये लॉक हो जाएगा, इसमें ये सिस्टम। बाकी अपन आते हैं अंदर, अब आपको चला के दिखाता हूँ कि गाड़ी में पावर पिकअप कैसा है। सो अब ये गाड़ी को हम लोग लॉन्च करते हैं, जैसे इसका मैं आपको गियर का बता दे रहा हूँ, मैंने ब्रेक मारा, ये बटन दबाया, ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, ये ड्राइव, लेफ्ट करेंगे तो आपका मैनुअल, फ्रंट में प्लस होगा गियर, नीचे की तरफ में माइनस होगा, डाउन होगा, और ये बटन दबा के पीछे करेंगे तो स्पोर्ट्स। तो अब इसको अपन लॉन्च करते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखा देगी कि आपका कौन से गियर में चल रहा है। जैसे ये S1 है, S1, S2, S3 जैसे जैसे आते जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पर गियर अप होते जा रहा है। 1 मतलब गियर दिखा रहा है, S मतलब मोड, यहाँ पे D दिखाएगा तो ड्राइव मोड, N मतलब न्यूट्रल, और P मतलब पार्किंग, और R मतलब रिवर्स। सो अब इसको अपन लॉन्च करते हैं, इसमें नॉर्मल कुछ ऐसे लॉन्च जैसा करने का है नहीं, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है नहीं गाड़ी, फ्रंट व्हील ड्राइव है, इधर पंजा दबाएंगे अपन। फर्स्ट गियर में 30, सेकंड गियर में 60, और भाई
ब्रेकिंग तो भाई इसकी भाई बहुत जोरदार है, बहुत जोर। मतलब बहुत ज्यादा जोरदार है क्योंकि इसमें फोर चारों चक्के के ब्रेक एक साथ लगते हैं, फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका आता है ड्रम ब्रेक। इसका जो आपका इंडिकेटर वाइपर वाला ये अपोजिट में आता है, लेफ्ट साइड में आपका इंडिकेटर अपर डिपर लाइट का कंट्रोल आ गया, राइट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल आ गए। इसमें ऑटो डिमिंग इसमें नहीं आता है, इसमें भी मैनुअल आता है। ज्यादातर गाड़ियों में उस टाइम में मैनुअल ही आता था। और ड्राइव मोड में अपन चलाएंगे गाड़ी, आराम से गाड़ी 1900 RPM पे, 1900 RPM में आपकी गाड़ी नॉर्मली अगर चलाएंगे आप तो शिफ्ट कर जाएगी। और नॉर्मल आप अगर हाईवे में चलो किसी को ओवरटेक करना, आप बस पंजा दबाओ ड्राइव मोड में, सीधा भाई तीसरे गियर से दूसरे गियर में गाड़ी और फुल रेव, आराम से आपकी गाड़ी पिकअप लेगी। चलाने में जो मज़ा है लगता नहीं कि आप 100 BHP गाड़ी चला रहे, 250 Nm ऑफ टॉर्क है, टॉर्क बहुत जोरदार इस गाड़ी में। और जो ड्राइविंग प्लेजर है भाई, वॉक्सवैगन ग्रुप जो भी गाड़ी बनाती है, चलाने में जो मज़ा है, कंट्रोल जो है, सारी चीज़ें इतनी मज़ेदार है कि क्या बोले आपको। और जो रिस्पॉन्स है स्टेयरिंग व्हील का, मतलब आप हाई स्पीड में आप जितना भी चला लो कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी में। जैसे कि अभी मैं 100 पहुंचा दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पांचवें गियर में 100 है। और मैं अगर एक्सेलेटर छोड़ दूंगा डायरेक्ट गाड़ी सेवन्थ गियर में चली जाएगी, गाड़ी को लगेगा कि अब पावर की नीड नहीं है, तो वो एवरेज निकालने के लिए गाड़ी अब शिफ्ट कर देती है। और जब मैं ये गाड़ी, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, 120 में आपका RPM 2000 पे आता है, जिसकी वजह से जो आपका लॉन्ग टर्म में जो लॉन्ग जर्नी में आपका जो एवरेज वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। जितना लो RPM रहेगा उतना आपकी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देगी, सो वो है। और इस गाड़ी में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, सर्विस दिखा देगा। यहाँ पे दो बटन दिए, ये लेफ्ट में एक बटन है, राइट में एक बटन है। राइट वाला आपका ट्रिप मीटर का है और लेफ्ट वाला आपका, जैसे मैंने एक बार दबाया क्लॉक का सेटिंग आ गया इधर, दूसरी बार मिनट का सेटिंग आ गया आवर का। इसमें आपको देखा 275 डेज में सर्विस करवाना है या फिर 6800 किलोमीटर में मेरे को सर्विसिंग करवाना है। तो गाड़ी में सारी चीज़ें पहले से दी हुई है कि आपको कब सर्विसिंग करवाना है, कितने दिन में सर्विस करवाना है, आपका सर्विस ड्यू हो गया तो उसका भी अंदर इंडिकेशन आते रहेगा। सो भाई चलाने में बहुत मज़ेदार। इसके जो आपके साइड व्यू मिरर्स है वो थोड़े से छोटे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़े से हल्के से और वाइड इनफ होते तो आपको मज़ा आता। बाकी ये गाड़ी में जो रूफ है वो नॉर्मल बेज कलर का आता है, लेकिन इसमें मैंने एल्कंटारा किया। आपको आप अगर आपको अपनी गाड़ी में एल्कंटारा करवाना है अपनी गाड़ी में रूफ में, तो आप लोग मेरे शॉप पर विजिट कर सकते हो जो कि सेक्टर 10 में है। और भाई जो चलाने में मज़ा है, जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी एकदम प्रीमियम फील कराता है। ऐसा नहीं लगता कि आप 10.5 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो, 2015 की गाड़ी चला रहे हो। जो कैबिन है वो भी मतलब काफ़ी स्पोर्टी है और ये फील कराता है कि आप एकदम नॉर्मल गाड़ी नहीं चला रही, थोड़ा सा प्रीमियम फील करवाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो क्वालिटी है यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, जो एक चीज़ है, नहीं तो और इसके जैसे टॉप मॉडल्स में जाए जो अनदर वेरियंट से एक लेवल ऊपर जाए, जो कि आपका लॉरा हो गया, ऑक्टेविया हो गया, पसाट, जेट्टा, वो वाले सेगमेंट में जाते हैं, तो उसमें पूरा सॉफ्ट टच आता है। आपके दो एयरबैग जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे है और एक यहाँ पैसेंजर के, दो एयरबैग है। इसमें सीट बेल्ट वाला आपको वार्निंग लाइट नहीं आता, बाकी आपको भाई चलाने में जो मज़ा है वो है, जैसे चलाओ वैसे चलाओ, जो गियर से आपको पिकअप लेना वो गियर से आप पिकअप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी को ब्रेक मारो कुछ भी करो गाड़ी अनस्टेबल नहीं होती। जैसे अब यहाँ से अपन न्यूट्रल मारते, मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑफ किया है, सो अभी आप देखना पावर पिकअप इसका आपको समझ आएगा। जब आपने यू टर्न लिया, और जो डिफरेंस आता है स्पोर्ट्स मोड और ड्राइव मोड में आपको समझ, आपको पता चलेगा कि गाड़ी में पावर का डिफरेंस आया है। और जो कंट्रोलिंग का स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इसमें जब स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाते हैं। जैसे अभी आप देखो चौथा गियर है और 120 गाड़ी टच करके आ गई है, और मैं एक ड्राइव मोड में डालूंगा डायरेक्ट गाड़ी पाँचवा गियर ही डल गया और ये छठवा गियर डल गया, देख रहे हो, और सातवा गियर डल गया, गाड़ी अपने आप गियर अप कर जाएगी अगर आप नॉर्मल मोड में चला रहे हो। क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं आता है, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक भी और नीचे बाहर, ये देखिए ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप सेकेंड हैंड वेंटो लेना चाहते हो 2015 के बाद की कोई भी डीजल वेंटो ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ेदार है। मैनुअल और ऑटोमेटिक में डिफरेंस है, मैनुअल में 5 गियर आते हैं और ऑटोमेटिक में 7 आते हैं, क्योंकि ये DSG गियर बॉक्स है। ये चीज़ बता दे रहा हूँ, DSG गियर बॉक्स जो है वो कॉस्टली आता है अगर उसमें कुछ काम आया, बाकी एस सच गाड़ी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सस्पेंशन का काम करें आपको 30,000 ऑलमोस्ट आएगा,
नॉर्मल क्लच वाली गाड़ी का काम करेंगे उसमें आपको 10,000 का क्लच आएगा, आफ्टर मार्केट सब बता रहा हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल कंपनी इसमें फिट होके आता है वो वाली क्वालिटी में आपको बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर्विस मेरे को जैसे इसमें आता है 9-10 हज़ार के आसपास मेरा पूरा सर्विसिंग हो जाता है। मैं मेजर सर्विसिंग कराया जिसमें गियर ऑयल और इंजन ऑयल सारी चीज़ें चेंज कराएं तो मेरे को 15,000 के आसपास आया, जो कि जो बोलते हैं लोग, जो मिथ है लोगों के माइंड में कि वॉक्सवैगन स्कोडा ये सब बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये गाड़ी आपसे 2,000 मांग रही है, आप इसको 2,000 तो आपकी गाड़ी मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, बाकी आप इसको जितना चलाना है चलाओ। जैसे ये गाड़ी 61,000 किलोमीटर चली हुई है अभी तक मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो अलग बात है, बाकी गाड़ी में कोई ऐसा कुछ इशू नहीं आता है। हाँ, ये है कि आप जिसके पास बनवा रहे हो वो अच्छा नॉलेजेबल आदमी हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में कोई अनदर प्रॉब्लम इशू ना आए। गाड़ी आपको सेकेंड हैंड मार्केट में आपको 2013 से 15 वाली आपको 3-4.5 लाख के अंडर में आ जाएगी, और ऑटोमेटिक आप नॉर्मली ऐसे लेने जाओगे तो 4 लाख के आसपास, 4,20,000-30,000 और सो ऑन मॉडल और किलोमीटर के हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग जो वरना होंडा सिटी ऑटोमेटिक ये सब लेने जाते हो उससे बेटर आप वेंटो रैपिड ऑटोमेटिक ले सकते हो, DSG गियर वाली, जिसमें आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। पार्ट्स ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट्स सारे अवेलेबल रहते हैं गाड़ी के, आप ये गाड़ी सेकेंड हैंड में आँख बंद करके ये गाड़ी आप ले सकते हैं। बाकी रही बात, आपको और कोई चीज़ आपको पूछना हो या आपको ये गाड़ी खरीदनी हो, मैं अपनी वेंटो बेच रहा हूँ, राइट, आप सही सुन रहे, ये गाड़ी मैं बेच रहा हूँ क्योंकि मैं और अपग्रेड करूँगा गाड़ी में, सो मैं ये गाड़ी बेच रहा हूँ। तो अगर आप लोग में से कोई भी ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड होगा तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, नो इसमें कोई भी छोटा मोटा कोई भी खर्चा नहीं है, गाड़ी आप ले जाइए चलाइए, ये है। बाकी आपको वीडियो में आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट करिए, एडवेंचर विद चिंतन के नाम से इंस्टा पे, तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।